जीवन हर किसी को अकेला चलना पड़ता है, साथ परमेश्वर के, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। उन पर विश्वास करो और कोई एक नक्की बनाओ, अपने खाते पे दूसरे का नहीं, अपना चित्र बनाओ, उसके नीचे लिखो तू आज ये है, तुझे कल ये बनना है। अपना सपना उसमें ठोक दो और उस तस्वीर को लेकर एक प्लानिंग बनाओ। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे से अलग दिखता है कि नहीं? मैं अगर 8 बजे उठता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं 2 घंटा लेट उठता हूँ 2 घंटा लेट सो जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी तरह जीऊँगा, अपना दिनचर्या खुद बनाऊँगा। बात समझते हो? इसलिए अपने हिसाब से बनो। आप में से सभी व्यक्ति अच्छा मार्क लाएंगे ये कोई निर्दिष्ट बात नहीं है। आप में से कोई अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, आप में से कोई अच्छा सिंगर बन सकता है, आप में से कोई अच्छा राजनेता बन सकता है। आप में न जाने ये बगीचा है, तरह तरह के फूल हो, आप सबका सुगंध अलग है, सब में सब अलग हो। इसलिए अपने अंदर देखो, कौन हूँ मैं? मैं जब पढ़ाई ख़त्म किया, मैं दर्शन शास्त्र पढ़ रहा था। किस लिए पढ़ रहा था? मैं ज्ञान जानना चाहता था, दुनिया को जानना चाहता, दर्शन शास्त्र पढ़ा। मैंने सिनेमा किया, मेरा पैशन था, मज़ा नहीं आया, अरे यही कर रहा हूँ। मैंने अपने अंदर जब देखा उस विद्यालय में, इतने 12 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये गुण है, मैं लोगों को अच्छा कह सकता हूँ, मैं विद्यार्थी को अच्छा बोल सकता हूँ, वो सुनकर मेरे से खुश हो जाएंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो मैंने ये काम किया, अब मुझे इसे खुशी मिलती। बात समझते? इसीलिए आप सभी को अपने अंदर देखना होगा। और खुद से जो 3 सवाल सिखाया मैंने, कलाम साहब के जीवन से लेकर आया था, जो 3 सवाल मैंने आपको दिया, वही 3 सवाल आपको हर घंटे पूछना होगा, क्योंकि ना सिर्फ 6000 घंटे बाकी है आपके साथ। कितना? अगर 6000 बार आप पूछोगे यही सवाल, कौन हूं मैं, यहाँ क्या कर रहा हूं, उत्तर मिल जाएगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं है जो आपके हृदय में बैठा है। 6000 बार उसे पूछोगे उत्तर नहीं देगा, भविष्य दे देगा, जीवन दे देगा, अच्छा दे देगा। अच्छा लगा सबको? yes, अच्छा लगा? yes, समय बर्बाद नहीं हुआ? नहीं, जो टाइम हम लोग मिले आप सबको अच्छा लगा? yes, मैंने आप सभी का वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, इसी को मैंने YouTube में डालूंगा। आप सब मेरे को नंबर देते हो, क्यों देते हो सुनोगे? yes, ये लोग भी 3-4 साल पहले मेरे को दिए थे। मैं इसीलिए रखता हूँ कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, 5 साल के बाद कॉल करूँगा, पूछूंगा कहाँ है तू, कैसा है तू, क्या कर रहा है तू, ये पूछूंगा। और उस दिन आपके मुंह से ये जवाब होना चाहिए कि मैं आपको ऐसे सैल्यूट करूँ, सार तहसीलदार हूँ सर, सार क्रिकेट खेल रहा हूँ सर डिस्ट्रिक्ट के लिए, सर संगीत गा रहा हूँ सर ये सिनेमा में, सर अच्छा किसान बना हूँ सर, 15 एकड़ का खेती किया हूँ सर, ये सुनना चाहता हूँ। नहीं सुनना चाहता हूँ कि आप बेकार बैठे हो। मैं आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ, सभी को सिखाने आता हूँ। हमारा भारत की परंपरा ऐसी है, हम सभी विश्व को सिखाते हैं। महान देश में हम लोग जन्म लिए हुए, इस महान देश की गौरव हम सबको रखना है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं कि नहीं? हम सब इसी सनातनी परंपरा में, इतने बड़े महान देश में आप सब पैदे हुए, कितने महान व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुए। गौतम बुद्ध पैदा हुए, महात्मा गांधी पैदा हुए कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, बड़े बड़े हस्तियां हमारे देश में पैदा हुए। और आपके जिले की बात करें तो अमित रोहिदास भी पैदा हुए, दिलीप तिर्की भाई साहब भी पैदा हुए कि नहीं, आज भारत की हॉकी टीम में नाम कमा रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कल आपका दिन हो। आप भी बताओ, दिलीप भाई आप तो रिटायर्ड हो गए, मैं आ रहा हूँ, है कि नहीं? हमारी उड़ीसा की दुती चांद बहन है, ओलंपियाड है, वो रिटायर्ड हो गई, आप में से तो कोई जाएगा कि नहीं? कौन लेके जाएगा इस उड़ीसा का नाम आगे? आप में से कोई लेके जाएगा? अगर आप अंदर देखोगे और सवाल पूछोगे कौन हूँ मैं, समझे आप सब? गर्मी ज़्यादा लगा गर्मी? अगर आप नहाना चाहते हो तो आपको पानी में कूदना पड़ता है, खड़े होकर नहा पाओगे ऊपर बाहर? इसीलिए जीवन में कुछ करना चाहते हो तो जंप करो उसमें, विद्यार्थी बनना चाहते तो किताब के अंदर जंप करो ना, फिर ज्ञान से भीगोगे। और जो भीगता है ना वो भीगा भीगा लगता है, सच बताया, उसका मज़ा ही अलग होता है।
विद्यालय जीवन मिला है, अनमोल मिला है, मजे करो ना भाई।